हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट निकली है। 10वीं पास वालों के लिए दिल्ली में पोस्टिंग होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज के अंतर्गत। दोस्तों बेसिकली पहले इसमें जो अपनाया गया था सिलेक्शन प्रोसेस वो था डायरेक्ट आपका इंटरव्यू देने जाना था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया कोविड को देखते हुए। अब आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। कोई एजेंडा मार चुका है दोस्तों, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों पहले जो इसका प्रोसेस अपनाया जा रहा था वो था आपको इंटरव्यू देने जाना था 29 तारीख को सुबह 11 बजे, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुकी है, इसको कैंसिल कर दिया गया है कोविड को देखते हुए। अब जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो आपका घर से ही इंटरव्यू कंडक्ट होगा। कब होगा, कैसे होगा, कैसे अप्लाई करना है, इसकी बातें करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये पोस्ट निकली है वो कहां निकली है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी बातें समझ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई थी, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। दोस्तों ये स्थित है श्री अरविंदो मार्ग नियर कुतुब मीनार के पास। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें 10वीं पास मांग गया है, मात्र 10वीं पास। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दोस्तों इसमें लिखा गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है दोस्तों, लेकिन वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें 10वीं पास के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो मैं आपकी सावधानी के लिए और आपकी समझ के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल में मात्र 10वीं पास मांगा गया है। एज की बात करें तो ज्यादा ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए 25 साल, और सैलरी मिलेगी इसमें 15,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और आपको अप्लाई कैसे करना होगा, क्या क्या प्रोसेस अपनाना है, ये अच्छे से समझना दोस्तों। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं अपनाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, पहले इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होना था यहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज में आपको जाना था, अब इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इनका जो नया प्रोसेस आया है वो आया आपका घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, अपना एक सीवी बनाना है, सीवी के साथ साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपके पास है, सीवी पे अपनी फोटो भी लगानी है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको ये एक पूरी पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बनाने के साथ साथ आपको इन दो मेल आईडी पे सेंड करनी है। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 3 मई शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको ये सारा प्रोसेस अपनाना है। 3 मई 2021 से पहले पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजने दोस्तों। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जो कि आप घर से ही कंडक्ट कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस होगा वो पता कैसे चलेगा आपको, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट रहना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके उनसे कनेक्ट रहना। अब देखिए दोस्तों आपको ये डेली चेक करना होगा इनकी लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखिए 3 तारीख के बाद ये कभी भी नोटिफिकेशन आउट कर सकते हैं और आपके मैसेज और मेल के थ्रू आपको इंटीमेट कर सकते हैं। इसलिए जो भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जो भी आप बायोडाटा में ईमेल आईडी और फोन नंबर डालेंगे वो ऑथेंटिक और एक्टिव डालना। इसके बाद जब आप मेल करेंगे दोस्तों उसके जो सब्जेक्ट में आप डालेंगे उसमें मेंशन करेंगे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सब चीजें मेंशन कर देना दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाना, और इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।